Hello students, again I am Sarika Seth, your Hindi teacher. बच्चों इस वीडियो में हम कक्षा 3 हिंदी 2 नवीन पल्लव पार्ट 7 उपकार का फल पार्ट 3 अध्यापिका सारिका सेठ. बच्चों इस वीडियो में हम उपकार का फल का पार्ट 3 में हम उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे. पार्ट 2 में जो हमने कराया है तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ कि बच्चों हमने इस पार्ट में ही इससे पहले वाली वीडियो में शब्दार्थ श्रुतलेख और प्रश्न उत्तर करे थे. सभी बच्चों को पता होगा. तो बच्चों अगर आप कहते हैं तो इस वीडियो में भी मैं एक बार से इस चैप्टर को पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज करा दूंगी. तो थोड़ा आपको चैप्टर अगर हम पढ़ देंगे तो आपको दोबारा से याद आ जाएगा कि उस चैप्टर में क्या क्या था. तो इसलिए मैं एक बार चैप्टर पढ़ती हूँ, फिर उसके आगे की एक्सरसाइज करा दूंगी. पार्ट 7 उपकार का फल. पार्ट से पहले इस कहानी में राजा और उनके पुत्रों के माध्यम से परोपकार के महत्व को दर्शाया गया. प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे. तीनों वीर और बुद्धिमान थे. राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों को परीक्षा लेनी चाहिए. उसने राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए. मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सही सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा. तो बच्चों ये चैप्टर में जल्दी से आपको एक बार रीड कर रही हूँ. बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए. काफी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए. चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया. तो दो बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची. वहीं टहलते हुए से एक दिन एक साधु के दर्शन हुए. साधु के पूछने पर उसने सारा हाल कह सुनाया. साधु बोला, बेटा इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे, प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा, सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है. लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना. इतना कहकर साधु ना जाने कहाँ आदर्श हो गया. छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया. उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्रित कर लिया. धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया. एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए रुपी कौड़ी भी नहीं बची. दुखी होकर वह सोचने लगा कि काश वह साधु की बात ना मानता. उसका घर जाने का मन करने लगा, लेकिन फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए. उधर समुद्र में रोज रोज अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियां आने लगी थी. उनके साथ उनका राजा भी आता था. जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया. लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है. हाँ महाराज यही लगता है, मछलियाँ बोल पड़ी. तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती. खैर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है. आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी. रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया. पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली. तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसे दुख होने लगा कि अकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था. अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज्यादा अनाज देना शुरू कर दिया. बड़े राजकुमार के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वह उसकी कमाई को ना देख पाए. कुछ समय बाद दोनों राजकुमार वहां पहुंच गए. एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन एकत्रित किया था और दूसरे ने दुकान खोलकर
छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई की दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, पर छोटे राजकुमार को उपला देकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत के बारे में बताया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। ठीक है बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने शब्दार्थ और श्रुति और क्वेश्चन आंसर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे इसके बाद की एक्सरसाइज, खा एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर के बाद की एक्सरसाइज। तो बच्चों हम इसको रख करेंगे। पार्ट गलत का निशान लगाइए। सही पर सही का और गलत पर गलत, ठीक है? आप ये हैडिंग बुक से देखिएगा। फर्स्ट है कश्मीर के राजा के तीन पुत्र थे। के राजा के तीन पुत्र थे। अब तो ये बच्चे आप इतना ज्यादा बार आप वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, आपको अपना पता लग गया होगा। तो हाँ जी, उसके तीन पुत्र थे, राइट। दूसरा, बड़े राजकुमार ने लहरों का आनंद लेने की बात सोची। लहरों का आनंद लेने की बात सोची। तो बच्चों ये रॉन्ग है, बड़े भाई ने नहीं सोची थी, छोटे भाई ने सोचा था कि मैं यहीं रहता हूं। थर्ड, रात होने पर
बढ़ते हैं। फिर है साधु, खूब धन एकत्रित किया, फिर है किए, किया नहीं किए। छोटे राजकुमार बच्चों आपको दिखाई दे रहा है जी, लास्ट देखिए दोनों बड़े राजकुमार दिख रहा है बच्चे, दोनों बड़े राजकुमार आई थिंक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है आदर्श हो गए हम बनाएंगे, फिर हम मिलान करेंगे। आदर्श को दया दया और लास्ट है राजकुमार की परीक्षा लेनी चाहिए। तो फर्स्ट है राजकुमार, पहला है राजा, राजा ने क्या करा, राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा है साधु, अदृश्य हो गया है ना। तीसरा है छोटा राजकुमार, अनाज मंगवाकर समुद्र किनारे एकत्रित कर लिया। फिर है दोनों बड़े राजकुमार, खूब धन एकत्रित किया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे मिलान। इसके बाद देखेंगे समानार्थी शब्द, ये मैं सारा रख रही हूं। समानार्थी शब्द देखेंगे, राजा, राजा को क्या 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 बोलते हैं, समानार्थी माने होता है बच्चों से एक से कई सारे, नरेश, नरक नरेश, समुद्र मछली, समुद्र का होगा बच्चों सागर, सागर और रत्नाकर। मछली का मत्स्य, मी, आप नेत्र में, ठीक है बच्चों, ये है समानार्थी शब्द। इसके बाद करेंगे हम आहार जोड़कर शब्द बनाना है। खा है आहार जोड़कर, व्याकरण बोध से है बच्चों, व्याकरण बोध ऊपर लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना हो, व्याकरण बोध। आहार जोड़कर शब्द बनाने हैं, क्वेश्चन आप बुक से देखिएगा, मैं बस आंसर लिख रही हूँ। 1, 2 इधर ही देखिए बाकी 3, 4। पहला है सरसराहट, सरसराहट। दूसरा है गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तीसरा है जग, मगाहट। चौथा है छठ, पटाहट। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारा समझी और लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गा, समझी और लिखिए है। इसमें पहले लिखा है पंडित और बच्चों आंसर लिखा हुआ है पंडित का, पंडिताई, पंडिताई।
लिखा है पंडताइन, तो यहाँ सही है ठाकुर, ठाकुर बाबा ठकुराई, ठकुराई। ठीक है, लाला लाला का होगा ललाई, ललाई। फोर्थ है सेठ, सेठ का होगा सेठानी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ये? ओके, सेठानी। अब बच्चों हमारे बचते हैं, ये मैं रख कर रही हूं, मौखिक प्रश्न। मछलियों को क्या खिलाया जाता है? मौखिक प्रश्न है हमारे, क्या खिलाया जाता है मछलियों को? अनाज। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्री यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन होता है? समुद्री जहाज, जहाज। थ्री है बच्चों, दो महासागरों के नाम बताइए। हिंद महासागर, नंबर दो प्रशांत, प्रशांत महासागर। उत्तर नंबर चार देखेंगे हम। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? कितने रत्न थे? नौ रत्न। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मिलान है कुछ अलग करें, मिलान कुछ अलग करें, ये भी लिख देती हूँ बच्चों, लास्ट दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पृथ्वी का स्वर्ग सभी को पता होगा, माया नगरी, घाटों तथा मंदिरों का शहर, गुलाबी शहर, मिलान करेंगे अभी हम। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी का स्वर्ग है हमारा कश्मीर, माया नगरी है मुंबई, घाटों तथा मंदिरों का नगर है वाराणसी, गुलाबी शहर है हमारा जयपुर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट। फिर है खेल खेलने, चित्र ढूंढ कर चिपका, ये लास्ट वाला है, आपको खुद करना है। गोताखोर, वेल, जहाज और पंजू, ये आपको चित्र खुद लगा देना है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।